हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुशाइन आईएएस। आज की इस करंट अफेयर्स के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द मैड्रास हाई कोर्ट इनवैलिडेट्स द रिजर्वेशन कोटा इन तमिलनाडु। तो देखिए इशू क्या है। इन तमिलनाडु 2021 में, फरवरी 2021 में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया मिला तमिलनाडु में, एंड दिस कम्युनिटी इज दिस वन, वनियाकुला क्षत्रिय कम्युनिटी। ठीक है, इसको 10.5% रिजर्वेशन मिला तमिलनाडु में इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड जॉब, राइट। बट मैड्रास हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो मैड्रास हाई कोर्ट का इसके पीछे जो आर्ग्यूमेंट था वो मेनली ये था कि कोर्ट वाज ऑफ द ओपिनियन दैट व्हेन द लॉ वाज इनएक्टेड, मतलब फरवरी 2021 में, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिड नॉट हैव और इट लैक द अथॉरिटी टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर एनी सच कम्युनिटी। अब हमें याद रखना होगा कि रिसेंटली 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हुआ था, जिसमें स्टेट स्टेट के पास ये अथॉरिटी दिया गया था कि इट कैन आइडेंटिफाई अ बैकवर्ड क्लास एंड इट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन टू दैट पर्टिकुलर क्लास और टू दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। लेकिन जब तमिलनाडु में इस कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया था तमिलनाडु स्टेट के तरफ से, उस टाइम पे 105th अमेंडमेंट हुआ नहीं था। तो उसके पहले तक जो अथॉरिटी बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई करने की थी वो था सेंटर के पास, दैट इज इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट, इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट। तो कोर्ट का ये कहना है कि अगर उस टाइम पे प्रेसिडेंट के हाथ में ये पावर था तो गवर्नर के, या मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटी से ये रिजर्वेशन कैसे प्रोवाइड किया गया। दैट वॉज द मेन एंड फॉरमोस्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ द कोर्ट। नाउ देयर इज अनदर आर्ग्यूमेंट विच इज कि प्रिंसिपल ऑफ रिजर्वेशन हमेशा फॉलो करना होता है कभी कोई भी कम्युनिटी को अगर रिजर्वेशन देना होता है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ रिजर्वेशन है उसका मेनली जो मेन टू प्रिंसिपल है, वन इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड द अदर वन इज रीजनेबल नेक्सस बिटवीन द डिस्क्रिमिनेशन मेड एंड द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड। तो इन दिस केस, इस केस में कोर्ट ने इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे फोकस किया है। तो ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है क्या? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया ये है कि जो बैकवर्डनेस है कोई भी कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने से पहले उसके बैकवर्डनेस डिटरमाइन करना जरूरी है कि सच में वो कम्युनिटी बैकवर्ड है या नहीं, राइट। और उसके जो बैकवर्डनेस है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए, प्रॉपर क्वांटिफाइबल क्रेडिबल डेटा होना चाहिए, राइट। बट इन दिस केस दिस प्रॉपर क्वांटिफाइबल डेटा वॉज मिसिंग। इनफैक्ट एक कमीशन अपॉइंट किया गया था और उस कमीशन की रिपोर्ट अभी तब तक आया भी नहीं था, और बिना उस कमीशन के रिपोर्ट के ही उस कम्युनिटी को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया गया था, ठीक है। तो कोर्ट का ये कहना है कि द गवर्नमेंट हैज रिजॉर्टेड टू शॉर्टकट पॉपुलिस्ट पॉलिसी, कि किसी भी कम्युनिटी को अगर खुश करना है, डेमोक्रेसी में ये चलता रहता है, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी को खुश करना है तो उसको एक शॉर्टकट, एक रिजर्वेशन दे दो। तो इससे क्या होगा कि इट इज अ शॉर्टकट पॉपुलिस्ट पॉलिसी। अब तमिलनाडु का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इट इज ऑलरेडी अंडर अ कंट्रोवर्सी। पहला तो ये है कि तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था 1994 में एक लॉ के थ्रू, एंड दैट रिसीव द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। अब इंद्रशानी के केस में, इन द जजमेंट, इंद्रशानी जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 50% का कैप लगा दिया था, लेकिन तमिलनाडु की रिजर्वेशन पॉलिसी उस कैप को वायलेट कर रहा था। तो ऑलरेडी ये कंट्रोवर्शियल हो गया था, तो इसको जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड, जुडिशियल रिव्यू के कंट्रोल के बाहर रखने के लिए इसको 9th शेड्यूल में प्लेस कर दिया गया था। 9th शेड्यूल व्हिच इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, लेकिन बाद में चल के वो 9th शेड्यूल भी जुडिशियल रिव्यू में आ गया था, बट स्टिल इट इज स्टिल अ कंट्रोवर्शियल मैटर। नाउ दिस लॉ में दिस
दिस मेड द लॉ कंट्रोवर्शियल एज ओनली विथ गवर्नर्स अप्रूवल द लॉ कैन नॉट बी अमेंडेड। ये भी कोर्ट का कहना है कि अभी जो 10.5% जो कम्युनिटी को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था वो गवर्नर के अप्रूवल से किया गया था, वेर एज ये जो रिजर्वेशन किया गया था ये प्रेसिडेंट के अप्रूवल से किया गया था। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द कोर्ट द स्टेट मस्ट नॉट रिजॉर्ट टू शॉर्टकट पॉपुलिस्ट पॉलिसी, रादर टेक मेजर्स विथ क्रेडिबल डेटा ऑन बोथ बैकवर्डनेस इन द सोसाइटी एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक सर्विस एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। तो ये भी एक क्राइटेरिया है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और जो पब्लिक सर्विसेज है उसमें एडिक्वेट या सफिशियंट रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं। कोई भी कम्युनिटी को अगर बिना इस डेटा के अगर रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है देन दैट विल मीन और दैट विल सिग्निफाई दैट इट इज अ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। बट टू बी ऑनेस्ट, टू बी ट्रू, इन इंडिया देर इज नो कास्ट बेस्ड कम्युनिटी, देर इज क्लास बेस्ड रिजर्वेशन, देर इज क्लास बेस्ड रिजर्वेशन। यही आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में यही कहा गया है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज अलाउड, रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज अलाउड। बट विदाउट, इन एब्सेंस ऑफ क्रेडिबल डेटा, अगर किसी भी कम्युनिटी को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है तो दैट विल वायलेट दिस रीजनेबल क्लासिफिकेशन एंड दैट विल लीड टू कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन व्हिच इज इन फैक्ट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15, व्हिच इज इन फैक्ट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15, जो ये जो प्रिंसिपल ऑफ रिजर्वेशन है इसको भी वायलेट कर रहा है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।